जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने यूनिट वन का चैप्टर टू स्टार्ट किया है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, और जिसमें हम जो है वो दो लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं माउथ के बारे में, हमने जो है वो पढ़ लिया था एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड माउथ, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो है वो नेक्स्ट पेज पे टेबल 1.1 में एक समरी दी हुई है जिसमें माउथ के अंदर होने वाली डिफरेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ को जो है वो हाईलाइट किया गया है, ठीक है, कि माउथ का कौन सा पार्ट, कौन सा स्ट्रक्चर क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और उसके नतीजे में फूड के साथ क्या अमल हो रहा है। तो चीक्स और लिप्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये जो है वो इनका काम क्या होता है कि फूड जो है वो हमारे दांतों के दरमियान मौजूद रहे, ये मेक श्योर करते हैं, जिसके नतीजे में जो हमारा फूड सारे का सारा यूनिफॉर्मली च्यू हो जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर जो है वो बड़े पार्टिकल बन रहे हैं, कहीं पर छोटे पार्टिकल बन रहे हैं, वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली च्यू हो जाता है, हम इजीली चबा जाते हैं उसको। नेक्स्ट है वॉल्स ऑफ माउथ, हमारे माउथ की जो दीवारें होती हैं उनसे सलाइवा यानी थूक निकलता है। सलाइवा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनका काम होता है सलाइवा को की मदद से जो है वो फूड क्या होता है, नर्म होता है, उसके अंदर जो है वो मॉइस्चर यानी कि वाटर कंटेंट उसका बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं मॉइस्चरिंग, और फिर जो है वो ये दोनों प्रोसेस के नतीजे में फूड क्या होता है छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका जो पार्ट है टंग यानी कि ज़बान, ज़बान के ऊपर मौजूद होते हैं टेस्ट बड्स, उन टेस्ट बड्स की वजह से जो फूड का जायका होता है उसको हम जो है वो पहचान पाते हैं कि किस किस्म का फूड है हमारा खाना जो हमने लिया है माउथ के अंदर, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, जिस भी किस्म का उसका जायका होता है वो टंग में मौजूद टेस्ट बड्स हमें जो है वो बता देते हैं। उसके बाद जो है वो टीथ जो है वो फाइनली उसको कट आउट यानी कि उसको जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, उसकी टियरिंग करते हैं, तोड़ते हैं, उसको क्रश करते हैं फूड पार्टिकल्स को, और इसके नतीजे में जो सॉलिड फूड हमने लिया होता है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और निगलने के काबिल हो जाता है कि माउथ से हमारा फूड जो है वो अंदर की तरफ बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के वहाँ तक प्रोसेस हो सके, राइट। अच्छा, माउथ के बाद जो हमारे पास पार्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल का उसको हम कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस को हम नॉर्मल ज़बान में नॉर्मली हम फूड पाइप कहते हैं, ठीक है जी, खाने की नाली उर्दू में कह सकते हैं, इंग्लिश में फूड पाइप। एसोफेगस का एज सच कोई काम नहीं होता, बेसिकली ये एक रास्ता है, ठीक है, पाथवे है जिसके ज़रिए जो है वो फूड क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है फेरिंग से स्टमक तक, ठीक है जी। माउथ के बाद एक छोटा सा जो है वो पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं, एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो कि माउथ को एसोफेगस से कनेक्ट करता है, उसका नाम होता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स से फूड जो है वो एसोफेगस के अंदर जाता है किस फॉर्म में, बॉलस की फॉर्म में, मैंने आपको बताया था बॉलस क्या होता है, बॉलस की फॉर्म में एसोफेगस के अंदर जाता है फूड, और फिर जो है वो वेव लाइक पैटर्न की सूरत में जो है वो कहाँ तक पहुँचता है, स्टमक के अंदर पहुँचता है। वेव लाइक पैटर्न बेसिकली क्या होता है, ये जो पाइप होती है एसोफेगस फूड पाइप, ये जो है वो श्रिंक यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ जाना, जब सिकुड़ेगा तो जो भी फूड पार्टिकल है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है जी, फिर रिलैक्स हो जाएगी, फिर जो है वो इस तरीके से क्या होता है वेव लाइक पैटर्न बनता है और फूड पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता स्टमक तक पहुंच जाता है। तो ऐसा डाइजेशन जो है वो एसोफेगस में कोई नहीं हो रही होती, डाइजेशन का कोई काम नहीं हो रहा होता, डाइजेशन सिंपली हमने क्या कहा था, ब्रेकिंग ऑफ फूड पार्टिकल, ठीक है। तो वहाँ पर कोई ब्रेक डाउन नहीं होता, जस्ट फूड पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम माउथ या फिर मोर प्रिसाइजली फेरिंग से कहाँ तक, स्टमक तक, ठीक है गर्ल्स। उसके बाद जो है वो स्टमक की बारी आती है, स्टमक को जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा एक जो है वो टॉपिक बन जाएगा, तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो देख लें तो आपको स्टमक पता चल जाएगा।